हरियाणा की दवा कंपनी को वियतनाम ने डाल दिया था काली सूची में। राज्य यूए चंडीगढ़, गाम्बिया में बप्तम की मौत की जिम्मेदार दवा कनिका। अफ्रीकी देश गाम्बिया में जिस भारतीय बरसों पुराना संदेश रिकॉर्ड कंपते मैडन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का कफ सिर्फ पीने से 66 बच्चे की मौत हुई है, वह लंबे समय से विवादों में रही है। हरियाणा के सोनीपत में स्थित यह कंपनी उन 39 भारतीय दवा निर्माता कंपनियों में शामिल है जिन्हें वियतनाम ने दवा नियंत्रक मानकों के उल्लंघन में काली सूच में डाला था। केरल, गुजरात और बिहार की सरकारें इस पर कार्रवाई कर चुकी हैं। पिछले 7 साल में इसकी 6 दवाएं गुणवत्ता के मानकों पर खड़ी नहीं उतरी, जिनमें 4 इसी साल बरनाई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देश पर चीफ ड्रग कंट्रोलर डा मनमोहन तनेजा ने इस कंपनी का पूरा ब्यौरा तैयार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मेडन फार्मास्यूटिकल्स की इन दवाओं की बिक्री भारत में नहीं की जाती, ये दवाइयां सिर्फ निर्यात के लिए हैं। सवाल उठ रहा है कि बगैर जांच के इन्हें नियांत की छूट कैसे मिल गई? इसकी दवाइयां अवैध। वीफ डग कंद्रोतर मनमोहन तनेजा ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी खिर्ट। शनिवार को नहीं पहुंची टीम सोनीपत के कुंडनी में स्थित इस कंपनी में 2 दिन से चल रही जांच शनिवार को बंद रही। केंद्र या राज्य की टीम का कोई भी अधिकारी जांच के लिए फैक्ट्री में नहीं पहुंचा। कंपनी का गेट पूरे दिन बंद रहा, उस पर एमसीए का नोटिस भी चरसिया है। बिहार में टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो चुकी कंपनी। बिहार सरकार ने 2011 में घटिया दवाओं की सप्लाई के लिए मेडन फार्मास्यूटिकल्स समेत 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। नकली और घटिया दवाओं की आपूर्ति कसने पर बिहार सरकार ने कंपनी को टैमा प्रक्रिया से हर कर दिया था। किसी भी बड़ी कार्रवाई से पहले केंद्र सरकार आश्वस्त हो लेना चाहती है कि क्या वास्तव में इस भारतीय कंपनी का कोई दोष है। इसके लिए परे देश में सैंपल लिए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के निर्देश को हरियाणा सरकार पूरी गंभीरता से लागू करेगी। अनिल विज स्वास्थ्य एवं हम मंत्री हरियाणा। मेडन की इन दवाइयों पर उठ चुके सवाल। हाई ब्लड शुगर के लिए मेडन फार्मास्यूटिकल्स की दवा मेटोमिनिस साल टेस्ट में फेल हो चुकी है। इस दवा के 2 बैच इस साल और 1/3 बैच पिछले साल टेस्ट में फेल हुआ था। गत मार्च में कन्यानी की माइसल डी टेबलेट भी गुणवत्ता टेस्ट पास नहीं कर पाई थी। इसका इस्तेमाल विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा बढ़ाने के लिए किया जाना था। इसे सोनीपत यूनिट में तैयार किया गया था। जून में कंपनी की एस्प्रिन 75 एमजी लेबोरेटरी टेस्ट पूरी तरह पास नहीं कर पाई थी। कुडली औगिक क्षेत्र स्थित मेडन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जागरण गुजरात और केरल में 5 बार घटिया मिली दवाई। गुजरात और केरल सरकारों ने पिछले 9 सालों में कम से कम 6 बार इस कंपनी की दवाओं के घटिया बैच की जानकारी सार्वजनिक की है। केरल में इसके बनाए प्रोडक्ट 2021 और 2022 में कम से कम 5 बार घटिया क्वालिटी के पाए गए थे। केरल के अधिकारियों ने मार्च 2022 में पलक्कड़ के एक अस्पताल से और सिद्बर 2022 में इनाकुलम के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा मेटफॉर्मिन के सैंपल लिए थे। ये सैंपल या तो डिसोल्यूशन टेस्ट में पफेल हो गए या आईपी स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं थे। मैग्रीप एंड कोल्ड सिर्फ शामिल है, इनमें संदिग्ध व विवादस्पद है। विश्व स्वास्थ्य ओरल सॉल्यूशन कोफेक्सिमालिन बेबी डाइथाइलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन संदिग्ध है। पिचतारिकाराई मैडन संगठन ने हाल में जिन दवाओं को कफ सिर्फ मकाफ बेबी कफ सिर्फ व ग्लाइकॉल की मात्रा मानक से ज्यादा थी रूप से हिमाचल महाराष्ट्र और दिल्ली में भी बिकने की जानकारी मिली है। फार्मास्यूटिकल्स का पिछला रिकॉर्ड प्रतिबंधित किया है उनमें प्रोमेथाजिन